नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुराने वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, कई बार हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं जो अभी अभी काम स्टार्ट किया है, जिन्होंने टीवी से आके LCD में या LED में, तो कई बार क्या रहता है, पुराने टाइप के जो LCD टीवी रहते हैं, चाहे वो सैमसंग, सोनी या अदर ब्रांड के, तो उनके अंदर कई बार हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उसके अंदर की जो CCFL ट्यूब होती है, जैसे कि आजकल आप समझते हैं कि टीवी में LEDs आती हैं, बैकलाइट प्रॉब्लम हुई तो हम LEDs चेंज करते हैं, या ड्राइवर बोर्ड में प्रॉब्लम रहता है तो हम रिपेयर कर देते हैं, लेकिन जो पुराने टीवी रहते थे उनके अंदर CCFL होती थी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इस तरीके की जो CCFL हैं, ये ट्यूब रहती हैं, अगर ये ख़राब हो जाती हैं तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो किस तरीके से अगर ये ट्यूबें ख़राब हो जाती हैं या हमारा इन्वर्टर बोर्ड ख़राब हो जाता है LCD टीवी में, तो किस तरीके से उसके अंदर हम अपना काम जो है वो ले सकते हैं, पूरी वीडियो ये डिटेल में मैंने बनाई है और सारी चीज़ें इसमें मैंने एक एक करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चलते हैं हम लोग वीडियो पे। आज हमारे पास जो टीवी रिपेयर होने के लिए आया है उसका मॉडल नंबर जो है वो मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाहूँगा, LA40C530F1R। ये एक 40 इंच का सैमसंग का LCD टीवी है जिसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो है बैकलाइट से संबंधित। बैकलाइट इसका सिर्फ एक बार ऑन होता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई और से विद इसके अंदर इन्वर्टर का सेक्शन भी यहाँ पे बना हुआ है। ये दो चोक यहाँ पे आप देख सकते हैं बनी हुई है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर, ये इसका मेन बोर्ड है और फुल HD पैनल इसके अंदर लगा हुआ है, टिकॉन यहाँ पे AUO का। और ये पावर सप्लाई मैंने चेक की है तो पावर सप्लाई ओके है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका इन्वर्टर का कुछ हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है साइड में, और इन्वर्टर भी मैंने यहाँ पे चेक किया है तो इन्वर्टर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। तो इसके अंदर की जो CCFL है वो मुझे लग रहा है कि ख़राब है। सबसे पहले हम इस TV को ओपन करते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई मैंने अलग से लगा के चेक कर ली है, पावर सप्लाई मेरे पास सेम थी और इन्वर्टर बोर्ड भी था, तो मैंने दोनों चीज़ें लगा के चेक कर ली हैं। कन्फर्म हुआ है कि अंदर की CCFL रोड जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। पहले हम इसको ओपन करते हैं और आप लोगों को आगे की वीडियो है वो मैं दिखाता हूँ। इसको हमने ओपन किया है, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर की जो CCFL है वो ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ साइडों से ब्लैक हो चुकी हैं, स्पार्क हुई है ये यहाँ पे। इस वजह से हमारा जो TV था उसमें बैकलाइट ऑन नहीं हो रही थी, एक बार हल्की सी बैकलाइट ऑन होती थी उसके बाद जो हमारा सेट था वो बैकलाइट ऑफ हो जाता था। इसकी कंडीशन आप इस तरीके से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाइट कलर की होती है, ये जो साथ में इसको यहाँ पे शीट ये लगी होती है जो ये प्लास्टिक की, और ये वाइट कलर की होती है। और ये आप देख सकते हैं आप इसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, जल जल के ये बर्न हुई है। और इस साइड से भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी जो हालत है, और यहाँ पे CCFL जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पार्क हो चुकी हैं। तो इसकी CCFL जो है वो डैमेज है, और या तो इसकी CCFL जो है पूरी नई की नई मिले हमको इस तरीके की, तो हम इसको रिप्लेस करके अपना काम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अभी जो ये मॉडल जो है काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ये CCFL जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या तो आपके पास इस तरीके का डैमेज कोई TV पड़ा हो उसका आप निकाल के पूरा बॉक्स लगा सकते हैं। लेकिन जब ये नहीं मिलती है तब आपको क्या करना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको इनको सभी ये जो रॉड हैं इसमें अंदर CCFL हैं इनको आपको निकाल देना है। निकालने के बाद आप इसके अंदर जो है हमारी नॉर्मल LED जो आती हैं, इस टाइप की LED जो आजकल स्ट्रिप आती हैं, वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद आप इसको LED में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसका जो पावर सप्लाई है, जो इन्वर्टर सेक्शन है, वो भी चेंज करना पड़ता है। सप्लाई वही रहेगा, सिर्फ आपको जो इन्वर्टर सेक्शन है वहाँ पे आपको अलग से एक यूनिवर्सल ड्राइवर बोर्ड जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आप इसके अंदर इस तरीके की LEDs जो हैं वो लगा सकते हैं।
कई बार हमने देखा है कि जब आप LED लगाते हो तो कुछ हल्के हल्के स्पॉट दिखते हैं, उससे बचने के लिए आप इसमें जो LED है ये 4K में भी आती है, थोड़ा सा ये जो इसका रिफ्लेक्टर है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है 4K टाइप, तो वो लगा सकते हैं ताकि आपको आगे जो रिफ्लेक्शन है वो स्पॉट है वो ना दिखे। तो सबसे पहले हम इसकी जो ये CCFL है इनको रिमूव करते हैं और यहाँ पे LED लगाते हैं, और फिर मैं आप लोगों को इसका पूरा जो TV है वो चला के भी दिखाऊंगा, ड्राइवर भी आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा लगाया है, और सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर की जो CCFL थी वो निकाल दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो CCFL इसके अंदर लगी हुई थी ट्यूब हमने निकाल दी है। अब हम इसमें LED लगाते हैं। आपको सिर्फ साइज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि LED जब आप लगा रहे हैं तो जो LED इसके स्ट्रिप का साइज़ है थोड़ा सा इसके बराबर का होना चाहिए, या फिर आप इस तरीके से भी LED ऊपर से नीचे की साइड में भी LED लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने LED जो है वो लगा दी है, यहाँ ऊपर मैंने इसके ऊपर टेप लगाई है ताकि LED थोड़ा सा चिपक के रहें और इधर उधर ना जाएं। और दूसरा 8-8 की 4 स्टिप लगाई है मैंने 8 LEDs की, और इसकी 2 की 1 सीरीज बनाई है, 2 की 1 सीरीज बना के, और LED ड्राइवर लगाया है मैंने इसके अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये LED ड्राइवर जो यूनिवर्सल मार्केट में मिल जाता है, गोल्ड 08ES ये ड्राइवर बोर्ड लगाया है, और इसमें 3 कनेक्शन दिए मैंने, इसका VCC ग्राउंड और इनेबल दिया है। इनेबल मैंने यहाँ से इसकी पावर सप्लाई से लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो 4 नंबर पिन है BLU ऑन है, इससे मैंने बैकलाइट ऑन दिया है। और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं, सबसे पहले बैकलाइट को देख सकते हैं दोस्तों जो LEDs हैं वो ऑन हो गई है, हमारी बैकलाइट जो है अब ऑन हो चुकी है। अब हम इसकी बाकी की जो फिटिंग है वो बनाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये जो यहाँ पे ब्लैकनेस है ये यहाँ पे पिक्चर में ग्लो नहीं बनने देगी, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई वाइट शीट आप काट के यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे भी वाइट शीट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो शीट है यहाँ पे भी लगा दी, जिससे हमारी जो वायर थी वो भी ढक चुकी है और जो यहाँ पे ब्लैकनेस थी वो भी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे भी इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने इसको चिपका दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर की जो रिफ्लेक्टर शीटें हैं वो रखेंगे और इसको ऑन करके देखेंगे, आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरीके से हमारा जो TV है वो ऑन हुआ है।